असलम एंड वेलकम टू टेस्ट पॉइंट ऑफिशियल डियर व्यवस्था इस वीडियो लेक्चर में हम एफ की तैयारी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एम डिस्कस करेंगे इसके साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि तैयारी कैसे करें और कहां से करें अगर आपको पी चाहिए तो पी भी अवेलेबल है आखिर तक वीडियो जरूर देखें यकीन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है आवर टीचर अस मैथमेटिक्स डैश इंग्लिश सो ये दो प्रपोजिशंस हैं एक तो है बिसाइड जिसके लास्ट में एस नहीं है और दूसरा है बिसाइड्स जिसके लास्ट में एस है सो अगर हम बिसाइड्स की बात करें तो इसका मतलब होता है उर्दू में के अलावा अगर हम बिसाइड की बात करें तो इसका मतलब होता है बगल में नज़दीक या करीब सो ये दो प्रपोजिशंस हैं जिनमें स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये दोनों आपको आने चाहिए बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा आवर टीचर टीच अस मैथमेटिक्स हमारे टीचर हमें मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं बिसाइड्स इंग्लिश इंग्लिश के अलावा हमें मैथमेटिक्स भी हमारे टीचर पढ़ाते हैं इस सेंटेंस का यही मतलब हो गया अगर हम सिर्फ बिसाइड की बात करें तो इसका मतलब होता है बगल में जैसे ही इज़ सिटिंग बिसाइड मी वो मेरे बगल में मेरे नज़दीक मेरे करीब बैठा हुआ है तो यहाँ इसका मतलब होता है बगल में और बिसाइड्स की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है के अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है गौतम बुद्धा वाज बोर्न इन विच कंट्री अगर हम गौतम बुद्धा की बात करें जो कि फाउंडर थे बुद्धिज़म के तो ये पैदा हुए थे नेपाल में लुम्बिनी एक सिटी का नाम है नेपाल का ये नेपाल में पैदा हुए थे और ये फाउंडर थे बुद्धिज़्म के यानी कि जो बुद्ध मत मजहब है उसके फाउंडर थे गौतम बुद्धा जो कि नेपाल में पैदा हुए अगर हम नेपाल की बात करें तो नेपाल साउथ एशिया का एक लैंडलार्क कंट्री है जिसका कैपिटल है काठमांडू और अगर हम दूसरी बात करें नेपाल के बारे में तो दुनिया का हाईएस्ट माउंटेन माउंट एवरेस्ट भी नेपाल में मौजूद है और डियर व्यूवर्स आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इसमें आप ही का फ़ायदा है बिकॉज एफआईए की तैयारी के लिए हम इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ डेली बेसिस पर बनाते रहते हैं और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है सिमिलर वर्ड फॉर रेटिसेंट इज अगर हम रेटिसेंट की बात करें तो रेटिसेंट एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है कम गो खामोश मिजाज यानी कि कम बोलने वाला तो इसका जो मोस्ट सिमिलर वर्ड होगा वो होगा साइलेंट जो कि ऑप्शन में दिया गया था अगर हम इसका सेंटेंस बनाएं तो इसका सेंटेंस इस तरह से बनेगा ही इज़ आ रेटिसेंट मैन यानी कि वो ऐसा शख्स है जो कम बोलने वाला है या कम गो है या खामोश मिजाज है तो उसको हम कहते हैं रेटिसेंट और इसका सिनोनियम है similar, इसका सिनोनियम है साइलेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़क़ात इज़ गिवन ऑन केमल्स अगर हम ज़क़ात की बात करें ज़क़ात पाँच केमल्स पर पाँच ऊंटों पर दिया जाता है और इसके साथ साथ अगर आपके पास अगर आपके पास पाँच ऊँटे हैं तो आप जक़ात देंगे अगर आपके पास चालीस आपके पास गोट्स हैं बकरियां हैं तो फिर भी आप पर जकवात जो है पेएबल हो जाता है और इसके साथ साथ अगर आपके पास चालीस शीप हैं तो भी आपके पास आप आप पर ज़क़ात वाजिब हो जाता है और सौ ये सारा डिटेल जो है लिखा हुआ है गोल्ड के बारे में सोने के बारे में चांदी के बारे में ये सारी डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट टेस्ट पॉइंट डॉट पी के विजिट करके देख सकते हैं बहुत ही अच्छी वेबसाइट है आप इसे ज़रूर विजिट करें और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है ही सेड आई विल रीच कराची टमारो मॉर्निंग सो ये डायरेक्ट का सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ही सेड दैट ही वुड रीच कराची द नेक्स्ट मॉर्निंग और जो इन्वर्टेड कामास हैं ये इंडायरेक्ट में ख़त्म हो जाते हैं टमारो जो है अगर डायरेक्ट में दिया हुआ है डायरेक्ट स्पीच में टमोारो तो ये इन डायरेक्ट में बन जाएगा नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोंग डे अगर डायरेक्ट इस्पीच में विल है तो ये इन डायरेक्ट में बन जाएगा वुड तो ये वुड लिखा हुआ है और नेक्स्ट मॉर्निंग की बजाय यहाँ लिखा हुआ है द नेक्स्ट मॉर्निंग तो इस तरह से ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु इट इज़ दी हेड ऑफ़ तहसील अगर हम हेड ऑफ़ तहसील की बात करें तो तहसील नाजिम हेड ऑफ़ तहसील कहलाता है और इसके साथ साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है बांग्लादेश इज सिचुएटेड इन विच रीजन अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश एक ऐसा कंट्री है जो कि हमारा पड़ोसी है और ये साउथ एशिया का एक कंट्री है यानी कि पाकिस्तान इंडिया चाइना और बांग्लादेश नेपाल ये साउथ एशिया यानी कि जनूबी एशिया के ममालिक हैं और ये जो है डेल्टा ऑफ पद्मा पर लोकेटेड है और इसके साथ साथ अगर हम इसकी पापुलेशन की बात करें तो बांग्लादेश की जो पापुलेशन है वो करीब सत्रह करोड़ है और इसकी अगर कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल है ढाका और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है वाशिंगटन इज लोकेटेड ऑन विच रिवर अगर हम वाशिंगटन की बात करें तो वाशिंगटन पोटेमेक रिवर पर लोकेटेड है और इसके साथ साथ एक ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रांस किस पर फ्रांस का जो कैपिटल है पेरिस पेरिस किस रिवर पर लोकेटेड है तो पेरिस सेनी रिवर सैनी रिवर पर लोकेटेड है आपसे ये क्वेश्चन है कि लंदन जो है लंदन जो कि इंग्लैंड का कैपिटल है ये किस रिवर पर लोकेटेड है तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पास पेपर से लिए गए हैं सो वाशिंगटन, वाशिंगटन पोटेमेक रिवर पर लोकेटेड है वाशिंगटन जो है यूएसए का कैपिटल है और अगर हम जॉर्ज वाशिंगटन की बात करें तो जॉर्ज वाशिंगटन यूएसए के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे अब जो करंट प्रेसिडेंट हैं ये हैं जो बाइडन सो so, जार्ज वाशिंगटन फर्स्ट प्रेसिडेंट थे तो इसकी नाम की नस्बत से वाशिंगटन का नाम भी वाशिंगटन रखा गया था उस शख्स की नाम की नस्बत से और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है द टाइगर काट अ फॉक्स ये पास्ट इंडिफरेंट टेंस का सेंटेंस है जिसको हमने बनाना है पेसिव में और पेसिव में जब पास्ट टेंस बनाएं एक्टिव में अगर हम बनाएं तो ये पहला टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया जाता है अगर हम पैसिव में बात करें तो पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और पैसिव में इसके हेल्पिंग वर्ब दो हैं एक तो है वास दूसरा है वर तो इसका जो पैसिव होगा करेक्ट पैसिव होगा वो होगा फॉक्स वास काट बाय द टाइगर ये इसका करेक्ट पैसिव वाइज है और इसके साथ साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ़ वॉल्किनोज़ इन वर्ल्ड अगर हम वॉल्कनोज़ की बात करें तो इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा वालकिनोज़ हैं वोकनोज जिसे हम आतिश फिशा भी कहते हैं सो तो इंडिया ये जो इंडोनेशिया है इसमें सबसे ज़्यादा वॉल्नोज़ हैं इसके साथ साथ अगर हम इंडोनेशिया की बात करें तो मुस्लिम पापुलेशन के हवाले से दुनिया में जितने भी मुस्लिम मुस्लिम कंट्रीज़ हैं फिफ्टी सेवन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडोनेशिया की है यानी कि मुसलमान मुल्कों में जितनी भी कंट्रीज़ हैं सबसे ज़्यादा पापुलेशन इंडोनेशिया की है और इंडोनेशिया की आबादी करीब सत्ताईस से अट्ठाईस करोड़ है इस तरह दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क आबादी के लिहाज से भी इंडोनेशिया है यानी कि फर्स्ट नंबर पर दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है हमारे पास चाइना दूसरे पर है इंडिया तीसरे पर है यूएसए यू चौथे पे है इंडोनेशिया और पांचवें पे दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है पाकिस्तान सो so, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपसे ये क्वेश्चन है एक इजी क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट नोबेल प्राइज वाज अवार्डेड इन द ईयर अगर हम नोबेल प्राइज़ की बात करें तो दुनिया का पहला नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1901 में अगर हम नोबेल प्राइज़ की बात करें तो ये दो मुल्कों में दिया जाता है एक तो है स्वीडन और दूसरा है नार्वे इसके अलावा किसी और मुल्क में नहीं दिया जाता और ये भी आपको बताता चलूँ कि दस दिसंबर को हर साल नोबेल प्राइज़ दिया जाता है और ये भी बताता चलूँ कि छः शोबों में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर इंडस वाटर ट्रीटी विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वर गिवन टू पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी ये एक इंपॉर्टेंट ट्रीटी था जिस पर साइन किया गया था 19 सितंबर 1960 को सो so, ये पाकिस्तान और इंडिया के इंडिया के दरमियान जो पानी का मामला है उस मामले पर ये एक ट्रीटी था ये एक माहिदा जिसे आप कह सकते हैं इस इस ट्रीटी के मुताबिक इस ट्रीटी इस माहे के तहत तीन जो दरिया हैं इंडस जहलम और चनाब ये पाकिस्तान को दिए गए थे और इसके साथ साथ ये जो ट्रीटी था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुआ था और इस पर जो सिग्नेचर किए थे पाकिस्तान की तरफ से वो वो थे आ, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब ख़ान और प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के जवाहरलाल नेहरू और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि पूरे वीडियो देखने के बाद नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपना टेस्ट लें सो so दैट आपको मालूम हो जाए कि आपको कितने सवाल अभी याद हो गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एरिया ऑफ पाकिस्तान हैज़ द बिगेस्ट डिपॉजिट ऑफ कापर सो अगर हम कापर तांबे की बात करें तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में चागी के मकाम पर में ये पाए जाते हैं रेकोडिक एक टाउन है बलूचिस्तान में और चागी चागी भी एक सिटी है नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर आर वेयर आर रिवर्स ऑफ पंजाब एंटर इन टू इंडस रिवर सो पंजाब के जो जितने दरिया हैं वो एक साथ मिलते हैं आकर इंडस रिवर में तो उस एरिया का नाम है मिठन कोट मिठनकोट तो इसका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट टनल ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान का लॉन्गेस्ट टनल खोजक टनल है जो कि किला अब्दुल्ला को चमन से मिलाता है और ये बलोचिस्तान में है और ये कंस्ट्रक्ट किया गया था अठारह में नेक्स्ट क्वेश्चन है सीटो इज़ एन एब्रीवेशन ऑफ अगर हम सीटो की बात करें तो सीटो का एब्रीवेशन है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसको बनाया गया था 8 सितंबर उन्नीस को और इसे डिजोल्व किया गया था 30 जून 1977 को ग़ुलाम मोहम्मद बिराज वाज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर अगर हम गुलाम मोहम्मद बिराज की बात करें जिसे कोटरी बिराज भी कहा जाता है इसे इंडस रिवर पर कंस्ट्रक्ट किया गया है तामीर किया गया था इंडस रिवर जिसे हम दरियाए सिंध भी कहते हैं तूत ऑयल फील्ड इज़ लोकेट इन अगर हम तो आयल फील्ड की बात करें तोत ऑयल फील्ड सो तो ये पंजाब में है पंजाब के एरिया में है इस्लामाबाद के नज़दीक और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है द मंगला डैम वॉज कम्प्लीटेड इन द ईयर अगर हम मंगला डैम की बात करें तो इसको उन्नीस में कंप्लीट किया गया था 1967 में इसका कंस्ट्रक्शन का आगाज़ हुआ था 1961 में जबकि ये कंप्लीट हुआ था 1967 को नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड दैट इज़ यूज इन स्टेड ऑफ़ अ नाउन इज़ कॉल्ड ऐसा वर्ड ऐसा ऐसा अल्फाज जो नाउन की जगह यूज़ हो उसे हम इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन नाउन की जगह जो यूज़ हो उसे हम क्या कहते हैं प्रोनाउन प्रोनाउन कहते हैं और प्रोनाउन को उर्दू में कहते हैं इसमें ज़मीर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मोस्ट अप्रोप्रियट सिनोनियम ऑफ इन्फेरियर अगर हम इन्फेरियर की बात करें तो इसका सिनोनियम है लोअर इन्फेरियर का मतलब होता है कमतर और लोअर का भी मतलब होता है कमतर निचले दर्जे का नीचे वाला सो so, ये इसका करेक्ट सिनोनियम है व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रियट सिनोनियम ऑफ लॉयल अगर हम लॉयल की बात करें तो लॉयल एक ऐसा मर्द है जिसका मतलब होता है वफादार जो वफा करे तो उसे हम लॉयल कहते हैं और अगर हम फैथफुल की बात करें तो फैथफुल का भी मतलब होता है वफादार सो फैथफुल इज़ दी सोनोनियम ऑफ लॉयल नेक्स्ट क्वेश्चन पर ही सेड टू हर व्हाट अ कोल्ड डे ही सेड टू हर व्हाट अ कोल्ड डे तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज़ अ वेरी कोल्ड डे यही इसका करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होगा डियर वीवर्स अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ फ्री में दिया हुआ है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं इसके साथ साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इन्फॉर्मेटिव लगी तो शेयर ज़रूर करें यूर फीडबैक सजेशन एंड कमेंट्स आर ऑलवेज ए वेलकम थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अला हाफिज़